कल मनीष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं वो उन्होंने जदयू ज्वाइन किया और बड़े करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और उनके गृह जिले से भी आते हैं, उनके स्वजातीय भी हैं। और एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि मनीष वर्मा जो है आरसीपी सिंह के रिप्लेसमेंट हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरसीपी सिंह की जगह ले सकते हैं मनीष वर्मा। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार चौधरी है। मनीष वर्मा जी क्या आरसीपी सिंह का जगह ले पाएंगे? हमको लगता है कि नीतीश बाबू जिन पर हाथ रख देंगे वो आगे बढ़ेंगे, और मनीष वर्मा तो एक आईएएस से ये इस्तीफा दे के, ये क्या बीआरएस कहा जाता है वो किए हैं, तो ये शिक्षित और बहुत दिमाग वाले आदमी हैं, तो जदयू को आगे बढ़ाएंगे मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि मनीष वर्मा वो जगह ले पाएंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह भी आईएएस थे, ये भी आईएएस है, तो मनीष कुमार भी तो आईएएस ही थे ना, वो जगह ले पाएंगे? जरूर ले पाएंगे, जरूर ले पाएंगे, क्योंकि उन पर नीतीश कुमार का हाथ है, तो जिस पर वो हाथ रख देते वो अच्छा ही होता है। संगठन के लिए काम करेंगे, कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी भी नीतीश कुमार, उनको एक तरह से उत्तराधिकारी के रूप में माना जा रहा है। अब इसको जिस रूप में, आप बताइए। बिल्कुल उत्तराधिकारी तो होना भी चाहिए, अब तो धीरे धीरे सबको मौका देना चाहिए, जदयू को आगे बढ़ाना है, क्योंकि विगत कुछ समय में जदयू मनीष वर्मा कैपेबल है, बिल्कुल है, वो जो है बहुत अच्छे अफसर भी रहे हैं विभाग में, जहाँ तक हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बारे में अच्छा ही जाना हूँ मैं, तो बहुत अच्छे अफसर रहे हैं। क्या कहना है आपका? हम ये दोनों से सहमत हैं। सहमत नहीं है, सहमत हैं, सहमत है, सहमत है, इन दोनों से सहमत हैं, बहुत अच्छे लोग आदमी में से हैं। आरसीपी सिंह तो निकल के चले गए, कहीं वो हाल तो इनका नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आरसीपी सिंह चले गए और वो तो पार्टी में आते जाते रहते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। आरसीपी सिंह चले गए और ये फिर नए आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जदयू को। नीतीश कुमार अपने स्टैंड पे कायम रहने वाले आदमी है, बहुत ही कर्मठ नेता है, और उनका आशीर्वाद जिस पर रहेगा वो सक्सेस होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये कह रहे हैं कि सक्सेस होगा जिस पर नीतीश कुमार सही का हाथ? सही बात है, सही बात है, सही बात है, वो सक्सेस होंगे, वो जिनको चाहेंगे वो सक्सेस हो जाएंगे, जिसको उठा देंगे वो उठ जाएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग मनीष वर्मा को लेकर के, नीतीश कुमार जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो सफल होगा। हालांकि आरसीपी सिंह की तुलना और ये बातें इनके जहन में नहीं, इनके जहन में ये है कि ये भी आईएएस हैं और एक आईएएस के तौर पे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे जदयू के अंदर। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।